हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पाइप और टंकी चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर दिए। यदि वो दोनों वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक टैंक को तीन पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? अब देखिए, कह रहा है इसमें तीन पाइप है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, एक पाइप सी है। अब ध्यान से समझिए, कह रहा पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। पाइप जो ए है सी से कितना है? 6 गुना। तो मान लेते हैं पाइप की जो क्षमता है 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और पाइप बी से 2 गुना तेज है, और ये जो है पाइप बी से 2 गुना, तो अगर हम इसको 3 मानते हैं तो इसका क्या 2 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। यही ए बी सी का हमारा रेशियो हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में ऊपर कह रहा था एक टैंक को तीनों पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। देखिए, ये 6 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट और एक यूनिट भरेगा। तो 6 3 9 1 10 कितने यूनिट भरेंगे एक साथ? देखिए, 6 3 9 1 10 यूनिट भरेंगे। 1 घंटे में 10 यूनिट भरेंगे और कितने देर भर रहे हैं? 3 घंटे तक। तो कितने यूनिट भर जाएगा? ये 30 यूनिट भरा जाएगा। कितने यूनिट भरा जाएगा? 30। अब देखिए, क्वेश्चन में आगे कहा है पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगे। अब कह रहा है अगर यही जो 30 यूनिट है, अगर सिर्फ बी और सी मिलकर भरे तो कितने समय में भर लेंगे? तो बी की क्षमता कितना है? 3, और सी की कितना है? 1। तो ये 3 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 से भाग कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, इस 7 4 28। देखिए, पहले 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा। यानी 15/2 को हम जानते हैं 7 सही 1/2, ये 7.5 घंटा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला वाला सही हो जाएगा। ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है। यदि दोनों ए और बी टैंक से जुड़े हों तो टैंक को खाली करने में लगेगा। कह रहा है ए पाइप 20 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। एक पाइप है जो कितने मिनट में? 20 मिनट में खाली कर देता है। कह रहा है दूसरा पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है। अच्छा, देखिए, यदि जो बी का जो व्यास है ए से 2 गुना है, देखिए व्यास अगर 2 गुना है तो 2 गुना पानी खाली करेगा। अगर ये 20 घंटे में करता है तो उसके आधे समय में खाली कर देगा। यानी 20 घंटे में करेगा तो कितना कर देगा? 10 घंटे में कर देगा। मिनट में दिया तो 20 मिनट में खाली करेगा तो ये 10 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों कैल्शियम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। ये कितना होगा? 20 1 कम 20, 10 2 20। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों पाइप ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हो, देखिए अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो एक करेगा ये 2 करेगा, तो कितना हो जाएगा? 3। 3 से भाग कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो खाली करने में लगेगा, कितना लगेगा? देखिए 3 6 18 18 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 6 18 18 2 20/3, यानी आंसर कितना होगा? 6 सही 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टैंक को 27 मिनट में भरते हैं। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं। शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान है। अब इसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कह रहा है एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल। तो मान लेते हैं एक समान प्रवाह कह रहा है, यानी 8 नल हैं। ठीक है, 8 को मान लेते हैं, सबकी जो क्षमता है कितनी है? 1 यूनिट है। सॉरी, एक नल की क्षमता 1 यूनिट है, तो 8 की कितनी हो जाएगी? देखिए, एक नल का क्षमता 1 यूनिट होगा तो 8 नल है तो 8 का क्षमता कितना हो जाएगा? 8 नल का क्षमता 8 यूनिट हो जाएगा। और कितने देर में भरते हैं? 27 मिनट में। कितने भरते हैं? 27 मिनट में। तो कुल भरा पानी ही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 8 और ये कितना होगा? 8 7 56, 8 7 56, 8 2 16 5 21, यानी 216 यूनिट भर देंगे। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं, यानी 3 मिनट तक ये जो 8 नल है काम के, भाई 3 मिनट के बाद 2 बंद होते हैं, यानी 3 मिनट तक ये 8 नल काम किए हैं। ठीक है, तो देखिए 8 ये था, इनका क्षमता 8 था, और कितने मिनट तक काम किए हैं? 3 मिनट तक। तो कितना कर दिए होंगे? 24, यानी 24 भर दिए होंगे। तो 24 इसमें से घटा लो तो कितना आ जाएगा? 6 में से 4 जाएगा 2, और इधर कितना बचेगा? 11, 11 में से 2 जाएगा 9,
ये कितना हो जाएगा यानी 192। अब बचा कितना, हमें कितना भरना है, 192 यूनिट भरना है। अब कह रहा 3 मिनट के बाद दो नल बंद हो जाते हैं, यदि 3 मिनट के बाद दो नल बंद हो जाते हैं, देखिए पहले कितना नल था, 8 था, जब 8 बंद हो, दो बंद हो जाएगा तो बचेगा कितना, 6, 6 से भाग कर दीजिएगा, वहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 6 से भाग कर दीजिए कितना होगा, 6 3 18, 1 19 हो जाएगा, 6 2 12 यानी 32 मिनट हो जाएगा। तो शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा, 32 मिनट होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए कह रहा है कि एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल, तो मान लेते हैं एक नल की जो भरने की क्षमता है वो 1 यूनिट है, तो 8 नल की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, वो 27 मिनट तक भरते हैं, कितने भरते हैं 27 मिनट तक, तो इसमें गुणा कर देंगे हमारा 216 यूनिट कुल हो जाएगा। अब कह रहा है 3 मिनट के बाद दो नल बंद हो जाते हैं, तो 3 मिनट के बाद दो नल बंद होते हैं ना, यानी 3 मिनट तक ये दोनों 8 नल काम के होंगे, तो 8 3 24 से 24 यूनिट पानी भर दिए होंगे, तो 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 192। अब इतने ही 192 यूनिट, अगर दो नल बंद हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 नल बचेगा, तो 6 से भाग कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों पाइप एक ही समय पर साथ खोले जाते तो कुंड में भरने में कितना समय घंटों और निकट मिनटों में लगेगा। देखिए इसमें निकट पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कह रहा दो पाइप है, मान लेते एक पाइप ए है एक पाइप बी है, अब कह रहा है ये 12 मिनट लगता है इसको भरने में, और इस दूसरे को कितना लगता है 15 मिनट लगता है, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटों में खाली कर सकता है, एक तीसरा पाइप है खाली करता है तो माइनस में हो जाएगा, कितने घंटे में खाली करता है 24 घंटे में खाली करता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका ले लीजिए 120, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 120, तो 12 दहम कितना होगा 120 होगा, और 15 8 120 होता है, और 24 5 120 होता है। एलसीएम वाला जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा डायरेक्ट कितना लेना होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि तीनों पाइप एक ही समय पर खोल दिए जाएं तो कुंड भरने में कितना घंटा घंटे और मिनट में लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कुल कितना है 120 यूनिट है, अब तीनों एक साथ काम करेंगे तो देखिए 10 यूनिट ये भरेगा, 8 यूनिट ये भी भरेगा, लेकिन 5 यूनिट क्या करेगा, ये खाली कर देगा, यानी 10 8 18 होगा, और इसमें से 5 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, यानी तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना भरेंगे 13 यूनिट भरेंगे, तो 13 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 13 से जब भाग करेंगे तो अब देखिए ये तो घंटे में आंसर आएगा लेकिन कुछ मिनट भी आएंगे, ठीक है। तो अब पहले देखिए कितने बार जा रहा है, ठीक है, तो 13 9 कितना होता है 117, 13 9 117 होगा, 13 9 कितना होगा 117, बचेगा कितना 3, और नीचे कितना होगा 13 होगा, यानी देखिए 9 घंटे होगा, ये क्या हो जाएगा 9 घंटा होगा, और इतना कितना हो जाएगा मिनट हो जाएगा। अब देखिए ये 9 घंटा हो गया, 3/13 क्या हो गया मिनट हो गया, अब घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे गुणा कर दीजिए, अब इसको काट दीजिए, देखिए ये हमारा कितना हो गया 9 घंटे हो गया, भाई देखिए एच मतलब हावर होता है, अब ये कितना होगा 180 हो जाएगा, अब 8/13 हो जाएगा, क्योंकि इस इतना करना जरूरी है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट 9 घंटे कुछ मिनट समय दिया है और निकटतम बताना भी है। अब देखिए 13 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 1 13 कितना बचेगा 5, ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। अब देखिए अगर हम 13 4 52 लेते हैं, अगर यहाँ पर हम 14 लेते हैं 13 4 52 हो जाएगा, और 13 3 39 लेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 13 3 39 1 40 10 50 यानी 11 डिफरेंस हो जाएगा, और 13 4 52 तो कितना हो जाएगा 2 ही ज़्यादा होगा, तो हम कितना लेंगे 14 मिनट ले लेंगे, ठीक है, यानी 9 घंटे 14 मिनट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, पाइप सी और डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सी 12 घंटे में भरता है, सी कितने घंटे में भरता है 12 घंटे में, और डी उसी को 40 घंटे में भरता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120, तो 12 2 120 और 40 3 120 दोनों मिलकर भरेंगे तो 10 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट यानी कितना हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 120/13 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है,
पाइप एक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक टैंक को एक तिहाई भाग कितने घंटे में भर सकते। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि पूरा नहीं भरना, सिर्फ उस टैंक का एक तिहाई हिस्सा भरना है। तो देखिए एक्स 12 घंटे में भरता है, एक्स 12 घंटे में भरता है और जो वाई है ये 36 घंटे में भरता है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तो 12 से भाग कर दिए, 12 तीन 36 और 36 से कम 36। अच्छा दोनों मिलके भरेंगे, तीन यूनिट भरेगा एक यूनिट, तो कितना होगा 4 यूनिट। तो 4 से भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है क्वेश्चन में कह रहा दोनों मिलकर टैंक का एक तिहाई भाग, ये पूरा नहीं भरना, इसका कितना भरना है एक तिहाई भरना है। ठीक है, अब देखिए तीन से काट लीजिए, तीन एकम तीन और तीन दूनी छः, और चार से काटेंगे कितना हो जाएगा तीन हो जाएगी, यानी कितना लगेगा तीन घंटे लगेगा, कितना लगेगा तीन घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके पहले यदि पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जब वह टंकी पूरी भरी हो तब एक रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाता है, जब दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अभी देखिए आप पढ़ रहे थे दोनों भर रहे थे या दोनों खाली कर रहे थे, लेकिन अगर जब एक भरेगा एक खाली करेगा तब किस तरह से लगाना है। खैर एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, एक क्या कर सकता है 20 मिनट में भर सकता है और एक रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाता है, और एक मान लीजिए बी टंकी है ये खाली करता है कितने समय में 28 मिनट में खाली कर देता है। जब दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे एलसीएम लीजिए। देखिए जब इस तरह का आपको एलसीएम समझ में ना आए तो सेम फैक्टर वाला कर दे, देखिए इसको हम 4 × 5 = 20 कर सकते हैं, 4 × 7 = 28 कर सकते हैं। देखिए इसको हम 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28। अगर हम अब एलसीएम लेंगे तो देखिए दोनों में 4 कॉमन है तो 4 तो एलसीएम में आएगा ही, और 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35 होता है, 5 × 7 कितना हो जाएगा 35, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा कुल एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए अब इसका क्षमता कैसे निकालेंगे, भाई 4 से भाग करेंगे तो 4 तो कट जाएगा, अब 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35, इसी तरह 4 से ये कट जाएगा, 7 से भाग करेंगे ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये खाली करने वाला है तो क्या आएगा माइनस, और कुल क्षमता कितना है 4 × 35। अब दोनों जब एक साथ मिलकर भरे छोले जाएंगे तो क्या होगा, ये 7 यूनिट भरेगा और 5 यूनिट खाली कर देगा, भाई 7 यूनिट जब भरेगा 5 यूनिट खाली कर देगा तो कितना यूनिट भराएगा, सिर्फ 2 यूनिट भराएगा, तो 2 से इसको भाग कर दीजिएगा, 2 से भाग करेंगे कितना होगा 2 से भाग करेंगे 2 बार कट जाएगा तो 35 × 2 = 70। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 70। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सब मिनट में दिया तो मिनट में आंसर आ जाएगा, यानी 70 मिनट लगेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरी भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है जो एक पाइप ए है ये टैंक को भरने में 5 घंटे लगाता है, कितना लगाता है 5 घंटे लगाता है। ठीक है, कितना घंटे लगाता है 5 घंटे लगाता है, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे और लगते हैं, ध्यान दीजिए 3 घंटे और लगते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो भरने वाला था, इसी के साथ एक छिद्र भी है, इसी के साथ देखिए एक छिद्र भी है, और जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 3 घंटे और लग रहे हैं, यानी पहले 5 घंटा लग रहा था 3 घंटा और लगेगा तो कितना लगेगा 8 घंटा लगेगा, कितना लगेगा 8 घंटा। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो है मिलकर कितना हो रहा है 5, और एक अकेला कितना है 8, देखिए इन दोनों कितना हो रहा है 5, तो अगर ए का वैल्यू 8 है तो बी का वैल्यू माइनस में कितना लेंगे कि 5 आए, अगर हम 8 में से अगर हम 3 घटा दें, 8 में से 3 घटा दें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी बी की क्षमता कितनी हो जाएगी माइनस के 3 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए को बंद होने पर, अब कह रहा पाइप ए को क्या कर देना है बंद कर देना है, तो छिद्र द्वारा पूरे भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, भाई बी द्वारा छिद्र द्वारा कह रहा है, छिद्र को हम भी माने तो 3 है इसका क्षमता, 3 से भाग कर दीजिए तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आंसर दिया है घंटे और मिनट दोनों में दिया है, तो पहले 3 से भाग कर दीजिए, देखिए 13 × 39
एक बचेगा एक सही, ये देखिए अभी ये कितना हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा, एक मिनट में हो जाएगा, ये घंटा है ये मिनट, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कितना होगा 13 घंटा और 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 13 घंटा और 20 मिनट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा।